नमस्कार, आई एम डॉक्टर विवेक विज। फिर ये लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता क्या है, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस प्रोसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में, जो कि सर्जरी से पहले है, जिसको हम प्री ऑपरेटिव इवेल्यूएशन बोलते हैं, इस पार्ट में हम डोनर की फिटनेस करते हैं, पेशेंट की फिटनेस करते हैं और उनके काफ़ी टेस्ट करवाते हैं। जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं तब हम डोनर को और रिसिपिएंट को फिट डिक्लेयर करते हैं सर्जरी के लिए, और उसके बाद हम उनकी एक ऑथराइजेशन कमेटी, जिसको लीगल कमेटी कहते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ये डोनर इस पेशेंट को लिवर लीगली डोनेट कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। फिर हम सर्जरी की डेट फिक्स करते हैं और सर्जरी के दिन हम पेशेंट की और डोनर की सर्जरी करते हैं 2 डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स में। इस पूरे प्रोसेस को 8 से 10 घंटे लग सकते हैं और पेशेंट का पूरा लिवर रिमूव कर दिया जाता है और आधा डोनर का लिवर निकाल के पेशेंट में डाल दिया जाता है। वो धीरे धीरे सर्जरी के बाद लिवर का साइज़ बढ़ जाता है और पेशेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इस पूरे प्रोसेस का सक्सेस रेट करीब करीब हमारे सेंटर पे 98% से ज़्यादा है और ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। थैंक यू वेरी मच।